सबसे पहले एक बॉटल में या किसी भी कंटेनर में पानी लेना है। सबसे पहले पूरी सरफेस को साफ करना है, डस्ट फ्री बना देना है, जिससे कि ऊपर चिपकी हुई जो भी धूल मिट्टी हो वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाए। ये दूसरे नंबर का पत्थर है ना, उसको पूरा करना है अपने को। हाँ, पूरा पूरा मैं मार दे, अच्छे से धो दे, एकदम मिट्टी विट्टी बिल्कुल नहीं रहे। ये और पानी ले लो। ये एक पत्थर पूरा चौरस बनाना है। हाँ, इस तरीके से इसको पत्थर को वॉश कर लेना है हमको। बस वॉश करने के बाद अब हम इसको किसी सूखे कपड़े से साफ कर लेंगे। सूखे कपड़े से साफ कर देंगे जिससे कि पत्थर जल्दी सूख जाए और पानी का किसी भी तरीके का धब्बा इस पे छूटे नहीं, क्योंकि पानी ओवरपरेट होता है उसके बाद वो अपना स्पॉट छोड़ देता है सरफेस पे। अभी एक कपड़ा मार के हमने पानी इसको हटा दिया है सरफेस पे, तो हम इसको पूरा सूखने का इंतज़ार करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी सरफेस पूरे तरीके से सूख चुकी है, ये पत्थर पूरे तरीके से सूख चुका है और ये डस्ट फ्री भी हो चुका है। आप कहीं से भी देखेंगे डस्ट फ्री हो गया है। अब इसमें हम लेंगे 10x का एजर और इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो आप देख सकते हैं। इसको किसी भी पत्थर पर मारने के लिए एक बार हॉरिजॉन्टल और एक बार वर्टिकल एप्लीकेशन करनी होती है। ये हम लोग पहले हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से वर्टिकल मार रहे हैं अभी। इतना इंश्योर करना है कि पत्थर का कोई कोना या किसी भी तरीके से कहीं से भी कुछ बाकी नहीं रह जाए लगने का। ये आप देख सकते हैं कैसा ग्लॉस भी आता है इसके ऊपर, ये ग्लॉस लेवल भी देख सकते हो आप, और पहले वाले ग्रेनाइट का भी ग्लॉस लेवल देख सकते हो। विदाउट पॉलिश इस लेवल तक हम आ चुके हैं और ये ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है फॉर लॉन्ग लाइफ।